लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राजधानी में मुस्लिम महासभा की बैठक हुई। इस बैठक में काय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठी मांग। मुस्लिम समाज जल्द राष्ट्रपति और पीएम से मिलकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेगा। बैठक में गाय तस्करी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। गौ वंश की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं। आप सड़क पर निकलिए, एक किलोमीटर में कई सौ जानवर दिखेंगे और बहुत कोई एक्सीडेंट होके पड़ा है, कोई ठोकर खा के पड़ा हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति, कोई भूखे प्यासे हैं। तो मुस्लिम समाज भी देख रहा है और सभी समाज भी देख रहे हैं। मुस्लिम समाज के सारे बड़ों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये पहल हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ और रायपुर से हुई है और सारे हमारे प्रमुखों ने मिलकर इसका निर्णय लिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और जितने भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और ऐसी कंपनियों को बंद करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करता है कि इस पर तत्काल बंद किया जाए। अगर आप गाय के हितैषी हैं, गौ वंश के हितैषी हैं, तो जितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जितने कंपनी हैं, इसको बंद होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भी जो परिवहन हो रहा है, पशु परिवहन हो रहा है, उस पर भी रोक लगना चाहिए और गौ तस्करी पर भी रोक लगना चाहिए। ये मुस्लिम समाज मांग करता है। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कदर करते हुए हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, उनकी भावनाओं को कहीं ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको तो छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज उठाया है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि गाय जैसे जो जानवर है, इसको संरक्षण होना चाहिए, इनको गौशाला में भेजना चाहिए, ना कि इनकी जगह सड़कों में नहीं है, गौशाला में है। इनका पूरा भोजन खान पान सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। स्लेटर हाउस भी बंद करने के बाद बिल्कुल बिल्कुल स्लेटर हाउस भी बंद होना चाहिए। बड़े सब एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड में चौथे नंबर का हो गया है। ये भाई हमारे आगे बैल भैंसे कहां जा रहे हैं, ये सब परिवहन होके ये सब स्लेटर हाउस में जा रहे हैं, अल कबीर जैसे, जिसमें ये हजारों लाखों जानवर कट रहे हैं। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज की मांग है। और बिरनपुर हत्याकांड जो हुआ है, उस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है और मुस्लिम समाज मांग करता है आरंग हत्याकांड को जो है उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। तीन लोगों की मौत हो गई है। अपराधियों का कोई धर्म और जाति नहीं होती है। इसकी मुस्लिम समाज मांग करता है कि सीबीआई जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। बीरनपुर में भी सीबीआई जांच की बात है, लेकिन अभी तक वो दो मुस्लिम चरवाहे तो मर गए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.